गांधी को हम देश की महिला प्रधानमंत्री के तौर पर ही नहीं जानते। इंदिरा गांधी उस सशक्त महिला का नाम था जो कभी किसी से डरी नहीं और ना ही किसी के आगे हार मानी। इसीलिए लोग उन्हें आयरन लेडी के नाम से भी बुलाते हैं। मौजूदा समय में इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि वो इंदिरा गांधी की बहू है और किसी से डरेंगी नहीं। ऐसे में सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली की जनता क्या सोचती है, ये जानेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। रायबरेली संसदीय क्षेत्र से सोनिया गांधी सांसद हैं और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। गांव की जनता खास तौर से उनके बारे में क्या सोचती है और अपने सांसद को किस तरह से देखती है ये जानने के लिए हम मटिया क्षेत्र के लाला का पुरवा गांव में हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसी तादाद है लोगों की जो गाँव में रहकर ही खेती बाड़ी करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। जो लोग यहाँ पर हैं उनसे पूछ लेते हैं, एक सवाल ये है कि सोनिया गांधी आप लोग उनको वोट देते हैं, आपकी सांसद हैं, क्या मानते हैं आप जो काम उन्होंने किया है अभी तक वो सही है, आपके हित में है या किस तरह से देखते हैं? अब रायबरेली में जिस तरह से उनको हम लोग जिता करके भेजते हैं उस हिसाब से फिलहाल जिस तरह से सोनिया जी ने काम किया है, हमारे चारों तरफ NH रोडें बनवा दी हैं, चाहे वो लालगंज रोड हो, चाहे वो फैजाबाद रोड हो, चाहे वो सुल्तानपुर रोड हो, चाहे सलोन रोड हो, ये सारी रोडें NH बना दी हैं, उन्हीं की देन है। ये एम्स आया है उन्हीं की देन है, रेल कोच फैक्ट्री आई है उन्हीं की देन है, तो इस तरह से विकास हुआ है उनके आने से। तो उनके आने से विकास हुआ ये ऐसा कह रहे हैं आप लोग? गांव क्षेत्र में रहते हैं, ये भी कहते हैं कि देश का दिल गांव में ही बसता है, तो आप क्या मानते हैं जो भी आपकी सांसद ने काम किया है वो गांव के लोगों के हित में रहा है? आप लोगों को सहूलियतें हुई है नहीं हुई? जी हुई है, गांव के हित में हुआ है कार्य, रोड भी बनी है और बहुत विकास हुआ, लेकिन गेहूं वाला पैसा जो है सूखे वाला अभी तक नहीं मिला जी। तो जिस तरह से ये कह रहे हैं कि किसान परेशान भी है आज की डेट में क्योंकि उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है और सूखा इतना ज़्यादा हुआ, खुद प्रदेश सरकार कह रही है, आप लोगों की क्या स्थिति है, क्या आप लोग सोनिया जी से इस बारे में बात करते हैं जब वो यहाँ आती? जी ये बात हमने सोनिया गांधी से उठाई भी थी, कहा भी था, उन्होंने बहुत प्रयास किया, कुछ क्षेत्रों को आ गया है, इस मटिया क्षेत्र राही ब्लॉक का भी पैसा नहीं आया, ये उत्तर प्रदेश सरकार की कमी है जो हम लोग को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और सोनिया गांधी से अच्छी यहाँ कोई और नेता सांसद नहीं हो सकती है और बहुत सारा विकास उन्होंने किया है। इससे पहले जब नहीं थी सोनिया जी तो सब सड़कें बेकार थी, कोई विकास नहीं था, बिल्कुल एकदम जर्जर सड़कें पड़ी हुई थी चारों तरफ। अब जब से वो आई हैं तो यहाँ विकास एकदम बराबर कर रही हैं और पूरा हर महीने तीसरे महीने आके क्षेत्र में दौड़ा भी करती हैं। सोनिया गांधी से जो यहाँ की जनता है उसका एक आत्मीय लगाव है, कुछ महिलाएं हैं उनसे भी बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं, आप जाती हैं मिलने जब सोनिया जी आती हैं? नहीं जाती हैं? कभी कभी जाते हैं, कभी हाँ, कभी कभी नहीं जा पाते हैं। मुलाकात हो पाती है? कभी हुई मुलाकात? मुलाकात नहीं हो पाया है, नहीं हो पाया। नहीं। तो अपनी बात आप रख नहीं पाई उनके सामने? अच्छा एक चीज ये है कि सोनिया गांधी अब इस बात को कह रही है कि वो किसी से नहीं डरती, वो इंदिरा गांधी की बहू है, आप लोग उनके अंदर वो काबिलियत देखते हैं जो इंदिरा जी में थी? वो तो थी, वो है भी, वो काबिल है, काबिल है। हाँ। सोनिया गांधी के लिए आप क्या कहेंगे, आपकी सांसद है यहाँ से जीत के जाती हैं? अरे हम लोग बहुत गरीब, हम तो रायबरेली में रहते थे लेकिन यहाँ जमीन ली पड़ी हुई है, उसका कॉलोनी अभी तक नहीं बना है, यही कहना चाहते हैं, हमारे दो लोगों का कॉलोनी है जो नहीं बनी तो है। आप ये सब समस्याएं रखती हैं उनके सामने या कभी नहीं मुलाकात? हम तो लखनऊ तक गए लेकिन जो है अब जब सुने जब तो हम तो लखनऊ से नहीं कहा आपने, अब वहाँ तक पहुँचने जब वही नहीं मिलता है तो क्या? तो बहुत लोगों की मुलाकात नहीं भी हो पाती क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग मिलने जाते हैं जब सोनिया गांधी आती हैं। तो एक सवाल और लोगों से ले लेते हैं, आप बताइए कि आप यहाँ रहती हैं रायबरेली में, सोनिया गांधी को किस तरह से देखती हैं आप, कैसा नेता मानती हैं? बहुत भीड़ रहती है, वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं, इसीलिए भीड़ भाड़ में देख के ऐसे लौट आते हैं, यही समस्या है उनको जो है, यही दिक्कतें छोटे छोटे बच्चे। आप बताइए इतनी भीड़ हो जाती को वहाँ पहुँचे पाई, हम पंचे दूर दूर से देख लाए थे, देख के वोट देते उनको नहीं देते? उन्होंने इनका तो वोट दे थे रायबरेली में, यहाँ पूरा सबको उन्हें इनको वोट देते है पूरा हाथ का पंचा। वोट अगर उनको देते हैं मुलाकात नहीं हो पाती तो उसके लिए आपको कहना चाहिए यहाँ जो और लोग हैं उनकी पार्टी के उनसे?
अफसोस तो होते हैं, बहुत अफसोस होते हैं, किंतु क्या करे, मजबूर है। गांव आ जाए तो हम पंचे देख ही ले कम से। अभी तक देखा नहीं आपने? का गांव आमेला लग पड़ा तो हम पंचे देख ही ले। अब रायबरेली आती है तो वहाँ कहाँ हम पंचे देख पाए थे। तो फिर वोट क्यों देती है अगर मिल नहीं पाती? बहुत मतलब यहाँ के सब कर रही है तो वोट दे रहे हैं भाई, यहाँ के सब बढ़िया बराबर कर रहे हैं, काम हो रहा है। आप मानती हैं कि आप भले मिल ना पाई हो लेकिन काम हुआ है? काम होता है। आप लोगों के लिए काम हुआ है यहाँ? हाँ होता, सड़क बनती है और सब खरिंजा विरिंजा सब लगता है। अरे बिजली सब, भी है, बिजली भी है, है। दिन है सब चीज। आप ये मानती हैं कि जो कुछ है उन्हीं का सब उन्हीं का दिन है सब? आप लोग हम सब जने माने तो उन्हीं का दिन है सब। तो यहाँ ग्रामीण महिलाएं जो हैं क्षेत्र की, उनको इस बात का मलाल जरूर है कि वो सोनिया गांधी से मिल नहीं पाती हैं। वो शायद इसलिए क्योंकि उनके दौरे जब भी होते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और लोगों के मिलने की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये भी एक सवाल है कि मुलाकात भले ना हो पाए लेकिन यहाँ की महिलाएँ या पुरुष वर्ग या जो भी लोग रायबरेली क्षेत्र के हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो इस बात को मानते हैं कि जो कुछ भी विकास यहाँ पर हुआ है वो सोनिया गांधी की देन है। और यही वजह है कि कांग्रेस के नाम पर या सोनिया गांधी वजह से ही लोग उन्हें वोट करते हैं।